तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे टेक्निकल प्लेनेट पे। और आज बहुत ही अच्छी न्यूज़ है बिंदास काव्य के लिए। उसकी जो आईडी थी वो वापस आ चुकी है। उसने अपने वीडियो में बता दिया है कि मेरी आईडी वापस आ चुकी है। तो आप बिंदास काव्य को जानते होंगे, उसने 2 दिन पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो डाल दिया है कि आईडी वापस आ चुकी है। तो लो आपको दिखाता हूँ। पहले आईडी गई थी उसकी, क्योंकि कभी भी किसी की आईडी ऐसे जाती नहीं। जब आया वो जो बंदा रहता है वो चीट करता है या फिर गेमिंग में मतलब बॉड अपने यू मतलब हैक यूज़ करता है तभी उसकी आईडी जाती है। तो दोस्तों, इसने बताया कि इसकी आईडी गई थी, मतलब हैक यूज़ करने के बाद ही आईडी जाती है। सो देखते हैं इसकी आईडी आई कि नहीं। फेसबुक पे लॉगिन थी। तो फ्रेंड्स, ये तो कंपनी में हैकिंग की वजह से इसकी आईडी गई थी। ये आज बहुत खुश है, लेकिन हैकिंग करने के बाद ही किसी की आईडी जाती है। तो मुझे तो 100% लगता है कि ये हैकिंग करती थी, उसकी वजह से उसकी आईडी जा गई, मतलब जो गई थी। ठीक है, ये जो पबजी वाले सब जो यूट्यूब क्रिएटर है सब हैकिंग यूज़ करते, हैकिंग यूज़ करके आपको खुश करते। मतलब माउस एक तरफ रहता है, गोलियाँ एक तरफ मारते है, तो अपने को बुद्धू बनाते, मतलब अपने को मैड समझते। देखिए, इसकी आईडी वापस आ गई। बोले कुछ आईडी वीडियो वापस नहीं आई, दूसरी आईडी बनाई होगी और उसमें लॉगिन करा होगा। अरे यहाँ पे बोल बच्चन दे दी कि मेरी आईडी वापस आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो देना। मैं ऐसे ही सच की वीडियो आपके पास लाते रहूँगा, क्योंकि ये जो लड़की उसने जो डायनामो गेमिंग है उसको ट्रोलिंग करके ही अपना जो मतलब मार्केट है वो बनाया है। इसको ट्रोल करके मार्केट बनाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।